आज का हमारा रेसिपी है KFC चिकन KFC। मैं आपको दिखा देती हूँ कितने करारे हैं इनके, आप इनका आवाज़ सुन सकते हैं, तो बहुत ही करारे और बहुत ही टेस्टी बने हैं और बहुत ही सिंपल और इजी स्टेप में मैंने बनाया है। आप लोग इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं आपको एक बोलते इसे तोड़ के दिखा देती हूँ अंदर से, इतना बढ़िया और टेस्टी बना है। ये देखने में जितना सुंदर है खाने में उतना ही मज़ेदार। और तो चलिए इसे बनाने के लिए हमें जो चाहिए वो तो देख लेते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये मैंने चिकन लिया है, ये बोनलेस चिकन है और इसे मैंने 20 पे कटेट लगा दिए हैं ताकि ये अच्छे बने, और ये कुछ इस तरह से कटेट कर दिए हैं सभी को, आप देख सकते हैं। और इसको मैरिनेट करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए देख लेते हैं। सबसे पहले एक बड़ा बर्तन लेंगे और इसमें मैं इस ग्लास से एक ग्लास मिल्क डालूंगी। तो आप ये देख सकते हैं मैंने ले लिया मिल्क, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी अदरक लहसुन पेस्ट। एक चम्मच अदरक पेस्ट, एक चम्मच लहसुन पेस्ट और इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टीस्पून नमक, और एक चम्मच रेड चिल्ली पाउडर, और काली मिर्च पाउडर, एक चम्मच काली मिर्च पाउडर। अब हम इसे कर लेंगे मिक्स अच्छी तरीके से, इसे हम फेंट लेंगे, बीट कर लेंगे इस तरीके से। और लास्ट में इसके अंदर हम ऐड करेंगे विनेगर, तो इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच विनेगर। तो ये वाला विनेगर है, 1 चम्मच विनेगर, 1 चम्मच सोया सॉस, 1 अंडा, और इसे अच्छे से बीट कर लेंगे। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन, इसे अच्छे से बीट कर देंगे इसके अंदर। सभी चिकन को इसके अंदर ऐड कर देंगे इस तरीके से। और इसे डिप कर देंगे और इसको कवर करके 2 घंटे के लिए हम इसे ढक के रख देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने मैदा लिया है, ये तकरीबन 50 ग्राम है। हमारे चिकन कम है इसलिए मैंने कम लिया है, और तो चिकन ज़्यादा है तो आप मैदा का क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं। और ये कॉर्नफ्लोर है, ये तकरीबन मैं 4 टेबल स्पून ऐड करूँगा। 1, 2, 3 and 4। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे नमक, बाकी सारे मसाले इसके अंदर ऐड कर देंगे। सबसे पहले सॉल्ट 1/2 टीस्पून, क्योंकि हमारा चिकन में सॉल्ट है इसलिए हम 1/2 टीस्पून डालेंगे। 1 चम्मच
लाल मिर्च पाउडर। अगर आप तीखा ज़्यादा खाते हैं तो आप तीखा बढ़ा सकते हैं। और एक चम्मच गोल मिर्च, ब्लैक पेपर, इन सभी चीज़ों को कर देंगे मिक्स। तो ये हमारा चिकन कोट करने के लिए रेडी है। अब ये रेडी हो चुका है। अब मैं आपसे 2 घंटे बाद मिलती हूँ। तो आप ये देख सकते हैं हमारा 2 घंटा हो चुका है। मैं इसे ओपन करती हूँ। देखें इस तरीके से अच्छी तरीके से मसालों में इसे रगड़ दें ताकि ये बिल्कुल जूसी अंदर से बनेंगे। चले ये तुम्हारा हो चुका। अब इसके बाद इसे साइड करते हैं। एक बाउल में मैंने चिल्ड पानी ले लिया, बिल्कुल ठंडा पानी। और ये कोटिंग के लिए मैदा ले लिया। और इसे हम इसमें से एक पीस इस तरह से निकालेंगे और इसे मैदा में डिप कर देंगे। इस तरह से डिप कर देंगे, अच्छे तरीके से कोट कर देंगे और इसे इस तरीके से छटक देंगे। उसके बाद इस पानी में 10 सेकंड के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद इसे निकाल लेंगे, पानी इसका निचोड़ देंगे अच्छे तरीके से और फिर इसके ऊपर कोट करेंगे अच्छी तरीके से। इसे मैदा कोट कर लेंगे। जो हमने कट लगाए थे कट के अंदर इस तरीके से चारों तरफ से हम से झटक देंगे। तो आप ये देख सकते हैं इसे मैंने झटक दिया। तो आप ये देख सकते हैं बिल्कुल केएफसी वाला टेक्सचर आ गया ना। इसी तरीके से सभी पीसेस को कर लेंगे। इसे कर लेते हैं तो आप ये देख सकते हैं ये सभी चिकन को मैंने मैदा में अच्छी तरीके से कोट कर लिया है। अब मैं इसे डीप फ्राई करूँगी। तो फिर डीप फ्राई करते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने कढ़ाई लिया, उसमें मैंने ऑयल डाल दिया, रिफाइन ऑयल डाल दिया। आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसे 5 मिनट गर्म होने देती हूँ, अच्छा हॉट गर्म होने दें। तो चलिए आपसे 5 मिनट बाद मिलती हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा ऑयल कितना गर्म हो चुका है। मैंने इसमें थोड़ा सा डाल के चेक किया है। अब मैं इसमें ये अपना लेग पीस ऐड कर दूँगी आहिस्ता से और इसे जब तक टर्न नहीं करें जब तक ये एक साइड से अच्छी तरीके से पक ना जाए। तब तक हम 5 से 4 मिनट लगेगा इसे कुकिंग पकने में अच्छी तरीके से गलने में। तो आप इसे बीच में छेड़े नहीं और आपके कढ़ाई में जितना स्पेस हो आप उतना उसके अंदर ऐड कर दें इस तरीके से। चलिए मैं आपसे फिर 4 मिनट बाद मिलती हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा 3 से 4 मिनट हो चुका है। अब मैं इसे आहिस्ते से पलट रही हूँ। इसे अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। चलिए अब हम इस साइड को भी 3 से 4 मिनट पकने देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, दोनों तरफ से अच्छी तरह सिक चुका है। अब मैं इसे निकाल लूँगी इस तरीके से। सभी को इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे और इसे भी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ।
तो आप देख सकते हैं इसे मैं इस तरीके से पलट लूँगी। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारा KFC चिकन बनके रेडी है, देख सकते हैं।